और क्या क्या करते थे तुम लोग? अच्छा, और जैसे मेरी फुप्पो के बालों का था एक के उनके बाल जो गिर सिल्की बाल थे और बहुत जल्दी गिर जाते थे, उन्होंने बालों में परमिंग करा दी थी तो बिल्कुल ही गिरना शुरू हो गया। तो मेरी दादी ने क्या किया, सरसों का तेल, उसमें ये जो होता है अपना क्या कहते हैं, मेथी दाना। अच्छा, मेथी दाना डाल के। ये भी बताई थी तुमने, मेथी का ही बताया था, किसका बताया था? मैंने बताया था उसका, नहीं तुमने किसी और चीज का बताया था, मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल, वो मस्टर्ड इसी का बनता है ना शायद? नहीं नहीं, सरसों के तेल में उसको। अच्छा, मेथी को सरसों के तेल में डाल? हाँ, जब तेल गर्म हो जाए तो मेथी दाना डाल दो उसके। ओके, ठीक है, उसमें डालें और उसके बाद 2 से 3 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर दें। ठीक है, उसके बाद वो तेल किसी चीज में निकाल के और बस आप बहुत जबरदस्त और वही लगाएं। अच्छा, और उस तेल में अगर आप प्याज का पानी मिला के रख देंगे तो वो और भी अच्छा है। प्याज का पानी उसमें डाल दें, वो ऊपर ही रहता है लेकिन जब आप लगाने लगेंगे उसको हिलाएंगे तो उसमें स्मेल आएगी प्याज की, क्योंकि थोड़ी सी आती है। नहीं आती, जो शैम्पू थोड़ी सी आती है, लेकिन लेकिन ये मेथी दाने की इतनी ज्यादा तेज अरोमा होता है कि वो प्याज है हाँ उसको वो कर देता है, तो उसकी स्मेल को मतलब ये कि वो खत्म कर देता है, खत्म। और मतलब तेल लगा के सोता कौन है, तो 2-2 घंटे बाद नहा ही लेना चाहिए। तेल लगा के मैं सो जाती हूँ, लेकिन रूटीन में नहीं करना चाहिए, कभी कभी बहुत अच्छा है। अच्छा, रूटीन में नहीं करना, रूटीन। अच्छा, दूसरा मेरी बालों के लिए मेरी खाला जो थी वो ये आमले अरीठे इसको बॉईल करती थी। अच्छा, उबालती थी उसके बाद जब वो आधा रह जाता था पानी तो उसमें से इसको निकाल लेती थी छान के और फिर उससे सर धोती थी। इससे जो है आपका झाग भी बहुत अच्छा बनता है और ऐसी शाइनिंग आती है बालों में, ऐसी शाइनिंग आती है नहीं है ना कि आप शैम्पू की क्या शैम्पू से है तो हमसे होता नहीं है। सीधी सी बात है, एक दो दफा मैंने ट्राई किया, मेरी नानी ये करती थी, पेशेंस से शैम्पू ही इस्तेमाल किया, पेशेंस चाहिए। और मैंने ये देखा जो लोग शैम्पू नहीं इस्तेमाल करते उनके बाल भी बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, और हम जैसे लंबे बालों वालों से पूछते हैं क्या आपने क्या इस्तेमाल किया है तो वो कोई ऐसा सा जवाब दे देते हैं, मैं कहती हूँ बताना नहीं चाहूँगी, ये होता है ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कॉन्टेंट।